Okay guys, so it is 7:15. I was planning to leave at like around 6:30 or so, but थोड़ा लेट हो गया उठने में. एंड लेट्स गो. ओके, करंटली वी आर गोइंग टू थ्री डेस्ट आई एम गोइंग टू थ्री डेस्टिनेशंस. आई विल रिवील द फर्स्ट वन विच इज शेट्टी अली Rosary Church. It is basically in ruins right now. I mean, it's been abandoned for many years, but it's a nice location, and it is near this I don't know, some dam. I forgot which one. Okay, so that is my first destination. From there I'll be going further, which I will talk about later. Map set kar lete hain. 210 kilometers, 4 hours. Okay, let's begin. Okay. अभी टोटली 130 किलोमीटर ही चलाया है. I am hoping to clock around 450 kilometers today. Yeah, I was talking about the church. This church is kind of, I think it was abandoned in 1960 because of some dam construction. जिस वजह से वहाँ पर ड्यूरिंग द रेनी सीजन इट गेट्स कम्प्लीटली सबमर्ज्ड. द मेन स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली इंटैक्ट इवन दो इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट इन द समर्स एंड कम्प्लीटली सबमर्ज्ड एट इन द मॉनसून सीजन्स. तो वी हैव रीच्ड हासन. ऑलमोस्ट आई हैव क्रॉस्ड हाफ ऑफ हासन. सिटी के अंदर तो गया नहीं, जस्ट ऑन द आउटस्कर्ट्स हाईवे पर. आई हैव अनदर 18 किलोमीटर्स टू गो. ओके, यहाँ पर लेफ्ट लेना है. नाइस रोड. Obviously that was sarcasm. But man, I can't feel a bump on this bike. This is beautiful. Okay, the church is submerged inside. I don't think you can go there. Man, this year's rain really heavy.
आई थिंक ब्रिज क्रॉस नहीं करना चाहिए था। आते आते तो बैटरी ख़त्म हो गया था गोप्रो विच इज़ अटैच टू माई हेलमेट। तो आई केम थ्रू अ नैरो ट्रेल ऑफ रोड। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, इट वी आर सपोज टू कम फ्रॉम दैट साइड, वहाँ से पूरा वो ब्रिज क्रॉस करके, दैट ब्रिज क्रॉस करके पूरा घूम के ऐसे आना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो रोड दिस साइड, बट बिकॉज ऑफ दिस बाइक इट वॉज वेरी ईजी कमिंग ऑन ऑफ रोड। आई केम थ्रू अ फील्ड, आई मीन यहाँ पे झाड़ियाँ, इस तरफ झाड़ियाँ, एंड देर वॉज अ स्मॉल लाइक अबाउट 6 इंच का एक ट्रेल था, उसी पे आ गया। सो दैट इज़ द रोजरी, शेट्टीहल्ली रोजरी चर्च सबमर्ज्ड। बारिश बहुत ज़्यादा हुआ इस साल, इसकी वजह से पानी बहुत ज़्यादा है, सो इट इज़ सबमर्ज्ड, वी कांट गो देयर। आई वॉज होपिंग आई कुड, बट नहीं जा सकते। The next destination was supposed to be Soul Spot 4. यहीं कहीं पास में है, but I think that will also be submerged under water. अगर यहाँ पे इतना पानी है तो वहाँ पर भी होगा ही होगा। आते वक्त तो बैटरी ख़त्म हो गया था गोप्रो का, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कॉन्ट रिकॉर्ड द रोड आई टुक हियर। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली पहले कभी किया नहीं उस टाइप का, तो आई वॉज अ बिट डाउटफुल। ओके लेट्स गो। इसीलिए गूगल मैप में जब मैंने रूट लगाया था यहाँ पर आया नहीं, वो दूसरी तरफ से दिखा रहा था। कहाँ से आया था मैं, राइट, सी दिस इज़ द रोड आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ से एक आराम से कार आ सकता है, बट आगे जाके दिस इज़ अ ह्यूज ट्रेंच जिसमें से बाइक नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ से आया था। कांटे है बहुत जो दे आर गेटिंग स्टक ऑन माई जैकेट एंड पैंट। सबसे पहले रोड पकड़ के निकालने पड़ेंगे। ओके सो आई केम थ्रू अ फील्ड, दिस इज़ द फील्ड, एंड यहाँ पर है रोड। कांटे कांटे कांटे, आउच, आउ आउ आउ। It was a mongoose ahead. Mongoose यहाँ पर हैं तो सांप भी काफ़ी होंगे। Okay, now officially I'm lost. इधर से या इधर से, इधर से शायद, या राइट।
गलत रास्ते पे आ गया क्या? या कट द रोड। Okay, so I don't know for what reason this is called soul spot, but there's nothing here. अभी तो कुछ भी नहीं है यार। ये नहीं लासा सुमने अड़ता है देनी। ये नहीं लासा हाँ सुमने अड़ता है। अधे लोग आते हैं? अधो यार लोग आते हैं इसलिए नीर ही चला। हाँ। क्या बात हमसे रोक के? अध आशा आदर हो रहा है। ये तो आले घंटे। हाँ तो। तो क्या ना नॉर्वे डैम कान। ಡ್ಯಾಮ್ ಕಾಣತ್ತರೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೌದು ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು So this guy was saying यहाँ से जाने का तो थोड़ा सा आगे तक जा सकते हैं एंड कुछ डैम दिखेगा। Let's see. Okay, there is the dam. If I keep following this route, कहीं नहीं जाएगा because आगे पूरा पानी है। Okay, so this is the soul spot यहाँ पर। I don't know for what. उस तरफ जाना नहीं चाहता मैं। Okay, traction control off करने से it is slipping. I really need to control, learn how to control. I think enough for this side. Let's move on to the third location. Yeah, Konapura Beach. 23 minutes, 11 kilometers. Okay. So I got off the highway. थोड़ा कच्चा रोड है.
सम एडवेंचर। Nice. तो यहाँ पे एक टेम्पल है, द टेम्पल इज क्लोज्ड एंड आई गेस दैट इज द, नहीं डैम तो नहीं है, व्हाट दैट इज, फिर जाके देखते हैं क्या क्या है। कि जस्ट अ पार्किंग स्पेस। सो गाइस दिस इज कोनापुरा बीच। I don't know why this is called Konapura Beach. This is the temple, Shiva temple. ये Shiva temple है and Konapura Beach is kind right now under water. So Konapura Beach is somewhere on that side. Basically you can't go, not this side. So ये पूरा जो है, this is like a beach. I don't think there much sand or anything, but pebbles chote chote hain. When the water recedes, you can go in, matlab niche ja sakte hain beach. It is like beach ke jaise hi hai. But because of heavy rains, the dam is filled. Reservoir is filled. Bahut zyada pani hai, to cover hai. Okay, so it's 12:40. Ek aadha ghanta ruka tha just to relax. अभी घर निकलते हैं, लेट्स हेड बैक होम। ओके, सो नेविगेशन लगा रखा है यहाँ पर।